News just coming in. The Enforcement Directorate has sent a summons to American millionaire Neville Roy Singham in the NewsClick case. The summons has been sent by External Affairs Ministry as per sources. And sources also tell NDTV that Singham is currently in China. Remember, he's Shanghai based. Of course, this is a money laundering case that the NewsClick, that the Enforcement Directorate is actually probing currently. Of course, there was a terror angle as well that has been alleged in this particular case, but that is a separate case. The Enforcement Directorate is probing money laundering and also alleged China links, and in this case now, Neville Roy Singham, the American millionaire, has been summoned. And joining me now on the phone line, Mukesh Singhal. Mukesh, bataiye ki ye Enforcement Directorate ne ye summons bheja hai, fresh summons Neville Roy Singham ke liye. Inka kya link hai is pure case mein? Ye hame bataiye. Aur abhi wo unke whereabouts ka kya pata hai hame? Wo Shanghai based hai. Kab ye chances hain ki unko questioning ke liye bulaya jaye? देखिए, बेसिकली जो दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था उसके बाद जो न्यूज क्लिक के फाउंडर हैं प्रवीर पुरकायस्थ और उनके जो एचआर मैनेजर हैं उन्हें गिरफ्तार किया था, और तब जो दिल्ली पुलिस है उसकी एफआईआर में कहा गया था कि न्यूज क्लिक को चाइना से हवाला के जरिए बहुत पैसा आया है और ये पैसा करोड़ों में है, और पैसा भेजने वाला है नेविल राज सिंघम जो कि चाइना में रहता है और वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है, और उसने भारत में प्रोपोगंडा फैलाने के लिए ये जो पैसा है ये न्यूज क्लिक को भेजा है। तो नेविल राज सिंघम जो है अमेरिकन सिटीजन है लेकिन चाइना में रहता है और वो इस केस में आरोपी है। उसके बाद जो ईडी है उसने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और ईडी ने एक सम्मन उसको पहले भेजा था, लेकिन जो चाइनीज अथॉरिटी है उसने वो सम्मन उस तक नहीं पहुंचाया। अब जो सम्मन गया है वो कोर्ट के थ्रू गया है, कोर्ट ने लेटर रोगेटरी जारी किया है और ये लेटर रोगेटरी जो है विदेश मंत्रालय के जरिए ईडी ने चाइना भेजा है। लेटर रोगेटरी बेसिकली ये होता है कि एक कोर्ट, एक देश की कोर्ट दूसरे देश की कोर्ट को एक सम्मन इश्यू करती है और उसके जरिए जिस आरोपी के पास सम्मन जाना होता है वहां तक जुडिशियल प्रोसेस और डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए सम्मन पहुंचता है। तो अभी ये सम्मन जारी हुआ है, अब देखना होगा कि ये सम्मन उस तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है और क्या इस सम्मन के मिलने के बाद वो ईडी के सामने पेश होता है या फिर वहां से कोई लेटर लिखता है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उस पर एलिगेशन यही है कि उसने करोड़ों रुपए हवाला के जरिए चाइना से इंडिया भेजे और ये सारे पैसे न्यूज क्लिक को आए।